वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस भी हमें यूज करना है बाय पीवी डायग्राम्स भी। तुम लोगों को दिख रहा भी यहाँ क्रम है जिसमें हमने कोई साइक्लिक प्रोसेस को यूज करना है भी, कोई भी हो सकती है। मैंने आप कल एग्जांपल दिया था आपको, ये पॉइंट ए है भाई, ए से बी पर चले गए, यस और नो, वापस बी से ए पे आ गए, पाथ तो चेंज कर लिया हम लोगों ने लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहे, सेम रहे, यस और नो। कल भी हो गया था मैं नोट, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है, डी वी। पहले पाथ यूज किया ए सी बी, ओके, फिर हमने पाथ यूज किया बी डी ए, सिस्टम ए पहले बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी से वापस ए में चला गया अभी, तो उसकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी, ए वाली वापस। मैंने बोला था आपकी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अभी, यस और नो। तो आपको निकालना है इस दौरान वर्क डन कितना किया गया अभी। तो ग्राफ से तो एक ही तरीका निकालने का, आप इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लीजिए, सिंपल तरीका अभी, मैंने प्रूव भी किया इस चीज़ को, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखूं, एरिया अंडर द करो, यस और नो, एरिया अंडर द करो, जो भी करो आप यूज करोगे उसका एरिया होगी। हम पहले निकालते हैं वर्क डन फ्रॉम, डायग्राम बन लास्ट टाइम हो चुका था ये, वर्क डन फ्रॉम, हम यूज कर रहे हैं ए सी बी, पहले पाथ को यूज कर रहा हूं ए सी बी, ओके। ये पॉइंट मैं कुछ और मान लूं भाई, ये पॉइंट ई, ये एफ ले लेते हैं, सही लिखा है। तो आप कैसे लिखाओगे इसको, वर्डन फ्रॉम वर्डन फॉर ए सी बी इज इक्वल टू, लिख सकता हूं एरिया, एरिया ऑफ किसका भाई, ए सी बी एफ ई, किसका एरिया, ए सी बी एफ ई, इस पूरे का एरिया, या इसको पूरा लिखना था साइक्लिक बना के, यही लिख दो ए सी बी एफ ई ए, पूरे का एरिया भाई, इसके नीचे का एरिया निकालना है, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो हो गया डब्लू वन, ले लें इसको, यहां पर लिख देना डब्लू वन भाई, इसको कंप्लीट। ये तो हो गया इसका भी, ए सी बी से जो हम गए हैं, अब वापस निकालते हैं वर्क डन फोर बी डी ए, दिख रहा है बी डी ए, यस और नो। तो इसको W2 ले लेते हैं, कौन सा एरिया निकालें वे, एरिया ऑफ इसके अंडर जो एरिया है कितना, ए डी बी एफ ई ए, कंप्लीट कर लेते हैं, यस और नो। दो करोड़ का एरिया निकाल लिया हम लोगों ने, तो ए सी बी का एरिया निकाल लिया वर्क, सॉरी बी डी ए का वर्क निकाल लिया अभी, हमें तो साइक्लिक प्रोसेस का निकालना है पूरा कंबाइन कर लोगे तो कितना एरिया बचेगा भाई साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, साइक्लिक प्रोसेस तो ये है सिर्फ, तो क्या करोगे टोटल वर्क कितना होगा भाई, टोटल कर लेते हैं, क्या करोगे W2 W1 W1 माइनस से W2, इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो, ये बच जाएगा भाई। तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका भाई, ए सी बी डी ए, समझ में आ रहा है, इसका एरिया भाई, ये जो एरिया है ये साइक्लिक प्रोसेस का एरिया है और ये साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन है, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। इस पूरे एरिया में से ये घटाऊंगा तो यही बचना है मेरा भी, मैंने ये लिखा है ए सी बी डी ए, बस टॉपिक कंप्लीट हो गया। व्हाट इज हीट इंजन, इंजन क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, हीट एनर्जी को किस में से कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी, लिखिएगा। इंजन क्या होता है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू, हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी,
हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल कौन सी होती है? जो चलने में काम आती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, आपका इंजन ये होता है बाइक में भी, ये इंजन है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ प्लग, भी प्लग देखा है ऐसा बारो जुड़ा होता है, प्लग बोलते हैं। पूछना करवाड़ा से प्लग कौन सा है। ओके, रेस का काम क्या है? रेस का वायर यहाँ पे जुड़ा होता है, ये एक विंडो होती है अभी। ठीक है, कार्बोरेटर सुना है? इंजन के ऊपर एक काला बॉक्स रखा होता है अभी, उसको कार्बोरेटर बोलते हैं। इंजन बता रहा हूँ, इंजन काम कैसे करता है आपका। ठीक है, ये इंटरनल इंजन है, एक एक्सटर्नल होता है रेलवे रेलगाड़ी वाला, और जिसमें स्टीम से इंजन चला जाता है। अब इसमें देखिए, रेस कब दो देते हो तो क्या होता है, ये वाल ओपन हो जाता है। और इसे ओपन होने से क्या होता है, फ्यूल आता है यहाँ पे भी, इन टर्म ऑफ वेपर्स भी। फ्यूल कौन सा? पेट्रोल भी। ठीक है, फ्यूल आता है इन टर्म ऑफ वेपर्स, तो सारे में वेपर आएंगे। वेपर कौन करता है? वो कार्बोरेटर बनाता है वेपर्स, उसके फेंकता है, जिसका फुहारा मारते हैं, ऐसे वेपर बन गए। ये लगातार स्पार्किंग देता है, स्पार्किंग तो फ्यूल में आग लगेगी, पेट्रोल है भाई। यस और नो? ये पिस्टन है भाई, तो आग लगेगी तो एक्सपेंड होएगा। यस और नो? और पिस्टन ऊपर उठेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन जुड़ा हुआ है व्हील के साथ, एक व्हील लगा हुआ था यहाँ पे ऐसे, और ये सेंटर पे नहीं होता, सेंटर से घूमता है, लेकिन सेंट ये जुड़ा होता है सेंट इसके साथ भी। ठीक है, जब ये ऊपर उठेगा तो व्हील ऐसे जाएगा ऊपर, यस और नो? उठेगा ना, तो कुछ देर बाद गैस क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, तो वापिस आएगा, मैंने एक चक्कर हो गया पूरा व्हील का भी, वापिस आएंगी। तो यहाँ पे एक और लगा होता है वाल्व, विंडो होती है, सारी गैस यहाँ से निकल जाती हैं, ये साइलेंसर होता है। यस और नो? फिर रेस क्या करती है? फिर फ्यूल भेजती है, फिर स्पार्किंग होती है, फिर ऊपर नीचे भी। ये है सिंपल वर्किंग ऑफ इंजन। से क्या इंजन के लिए तीन चीज़ें मेन भी, पहला फ्यूल भी, दूसरा स्पार्किंग भी, तीसरा धुआं बाहर निकलना भी। यस और नो? तो एक चीज़ तो वो होगी सोर्स, कि हीट आई कहाँ से अभी, पहला बताएंगे हीट कहाँ से आई, सोर्स क्या हीट का भी, पहला पॉइंट है सोर्स। फिर आएगा वर्किंग सब्सटेंस, काम किस पे किया जा रहा है, कौन सा है वर्किंग सब्सटेंस, फ्यूल है यहाँ पे भी। यस और नो? फ्यूल जलने से हीट आई है, अब वो हीट क्या काम कर रही है, वो है वर्क डन उसका भी, उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस भी। अब होता है एक सिंक, SINK, पूरे काम होने के बाद हीट चली कहाँ गई, ये काम हो लिया, अब जो बची हो कहाँ चली गई, वो साइलेंसर से बाहर गई। ये इंजन है वो थ्री पार्ट भी, ये इंजन है वो थ्री पार्ट्स, कौन कौन से हैं, पहला लिखिए फर्स्ट सोर्स ऑफ हीट, फर्स्ट है सोर्स ऑफ हीट। ये क्या करता है, आपके इंजन को हीट प्रोवाइड करता है अभी, कर लोगे सोर्स ऑफ हीट। इसको हीट को Q1 ले लेते हैं, कितनी हीट देता है आपके इंजन को ये, Q1। सेकंड वर्किंग सब्सटेंस, कौन सा सेकंड है, वर्किंग सब्सटेंस, आपके वेपर जो जल रहे हैं वो वर्किंग सब्सटेंस अभी, फ्यूल जो जल रहा है, कर लोगे यस और नो? ये प्लग मान सकते हो, गाड़ी का प्लग है भाई आपका, और ये क्या है, फ्यूल है जो जल रहा है। थर्ड सिंक, इसका भी हीट होता है जब धुआं बाहर निकलता है, गर्म होता भी हो, यस और नो? हीट कितना है, सिंक कितना है, एट हीट लिख दीजिए, एट हीट कितना है, Q2 सही है कि नहीं है, कर लोगे। तीन पार्ट होते हैं भाई, सोर्स ऑफ हीट, वर्किंग सब्सटेंस एंड ए सिंक। डायग्राम जरूरी होता है इसका भी, डायग्राम कैसे बनाओगे, इन्होंने सिंपल यूज किया होगा इसके लिए। देखिए ये सोर्स है भाई,
सोर्स, कितना हीट है इसका? Q1। यस और नो? ये अपनी हीट को ट्रांसफर करेगा किसको भाई? किसको ट्रांसफर करेगा? वर्किंग सब्सटेंस को। यस और नो? वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? इससे काम करेगा, वर्क होगा। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा नहीं मिलेगा? बाय द सिस्टम। क्यों द सिस्टम? बाय द सिस्टम काम हो रहा है। यस और नो? हीट देने से मेरा सिस्टम क्या कर रहा है? काम कर रहा होगा। यस और नो? अब क्या हुआ, वर्क करने के बाद कुछ हीट ट्रांसफर हो जाएगी किसको? सिंक को। सिंक क्या है? जहां से सेलेंस है, जहां से धुआं निकलता है। जो हीट बच गई कहां से चली गई? हो कौन सी हीट बच गई? क्यूट। तो किस कितनी हीट में ही काम हुआ? कितनी हीट दी गई? Q1। कितनी बार निकल गई? कितनी बच गई वर्क करने के लिए? Q1 - Q2। यस सर नो? कितनी बच गई? Q1 - Q2। ज्यादा कौन सी है? Q1 ज्यादा है, Q2 ज्यादा है? Q1 ज्यादा है। अभी हीट पे काम हो रहा है, Q1 - Q2 पे ही वर्क किया जा रहा है। ये अब हीट कौन दे सकता है? अभी आपको हीट वो दे सकता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो। यस और नो? और ले कौन सकता है इसका टेम्परेचर कम हो? तो ये ट्रांसफर किससे होती है? हाई टेम्परेचर से। तो पक्की बात है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो T1 > T2। यस और नो? तब देखिए ट्रांसफर हो पाएगी हाई से लो पे भी। तो लिखिए क्या लिखा था, पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ हीट। लिखिए सोर्स गिव द हीट Q1। सोर्स गिव द हीट Q1। हीट Q1 टू द वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स गिव द हीट Q1 टू द वर्किंग सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर T1। एट हाई टेम्परेचर T1। इंजन समझ में आता है? अब काम कैसे कर रहे हैं? यस और नो? सोर्स क्या कर रहा है? हीट दे रहा है भाई। Q1 किस टेम्परेचर के ऊपर दे रहा है? T1 किसको दे रहा है? वर्किंग सब्सटेंस को भी। किसको दे रहा है? वर्किंग सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट डालिए, देखिए वर्किंग सब्सटेंस डू वर्क। वर्किंग सब्सटेंस डू वर्क, ठीक है, कुछ काम करेगा भाई, पिस्टन उठेगा, व्हील चलेगा, सारा काम इसने करना है अभी। वर्किंग सब्सटेंस डू वर्क एंड रिजेक्ट हीट Q2 एंड रिजेक्ट, हाँ जी, डू वर्क एंड रिजेक्ट हीट Q2 टू सिंक। किसको हीट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा? ये बची हीट किसके पास ले जाएगी? सिंक के पास ले जाएगी। यस और नो? अब सिंक क्या है? लिखिए सिंक, लिखिए थर्ड पॉइंट भाई, लिखिए सिंक एट लो टेम्परेचर T2। सिंक एट लो टेम्परेचर T2 टेक हीट Q2। टेक हीट Q2 Q2 क्या लिखवा था? सिंक एट लो टेम्परेचर T2 टेक हीट Q2। किसकी हीट है ये? वर्किंग सब्सटेंस की है। कर पाओगे? होंगे हम लोगों ने। तो कौन सी हीट ने वर्क किया? सिर्फ Q1 - Q2 ने किया। कर पाओगे? लिखिए इसको भी। Q1 क्या था? हीट गिवन बाय सोर्स। यस और नो? Q2 क्या है? हीट टेकन बाय सिंक। यस और नो? और W क्या भाई?
वर्क डन, डब्ल्यू क्या है वर्क डन। तो कितना वर्क डन हुआ था, डब्ल्यू इज इक्वल टू कैसे करोगे क्यू टू माइनस क्यू वन, इतने हीट ने क्या किया वर्क किया भी। देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, एनर्जी है ये हीट एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, ये तो बोलते हम लोग, वही एनर्जी का यूज होती है मेरी वर्क करने में काम आती है। व्हाट इज वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग, सॉरी व्हाट इज एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही बोलते हैं भाई, कितना काम किया ये हमारी क्या है एनर्जी है। तो कितना काम किया ये एनर्जी है, यस सर नो। तो इस हीट को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल चेंज हुआ, कुछ तो चेंज होगा, बुक वाला यूज कर रहा है इसको, जरूरत नहीं है, कैसे लिखोगे इसको डी क्यू, कुछ तो चेंज हुआ होगा डी क्यू। क्या फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट लॉ गलत तो था लेकिन पूरी तरह गलत थोड़ी था अभी, और तो मेरे लिमिटेशन क्या थी, सोर्स हीट कहाँ से आई पता लग गया मेरे को, अब तो लगा लो फर्स्ट लॉ को, यस सर ना, कहाँ से ली गई हीट पता लग गया, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हुई है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, सारी लिमिटेशन पूरी होगी उसकी भाई, कर लोगे अब यूज कर सकते हैं। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ क्या था अभी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यस और नो, यही था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब प्रॉब्लम क्या है भाई इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू, देखिए सिस्टम हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर यहाँ पे था, गैस एक्सपेंड हो गई ऊपर चला गया फिर वापस आ गया, है ना, साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, यस और नो, पहले यहाँ पे था सिस्टम पिस्टन ऊपर उठा फिर अब कोल्ड होगी गैस बाहर निकल गई तो पिस्टन क्या करेगा नीचे आएगा उसी पोजीशन के ऊपर, यस और नो, हिला रहा कि जो हम कर रहे हैं सारा साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक में क्या होता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट होती है, यू कांस्टेंट होता है भाई, यू इज इंटरनल एनर्जी, डी यू की वैल्यू कितनी होगी जीरो। एनी प्रॉब्लम कर पाओगे ठीक है कि नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि डी क्यू डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, यस और नो, और डी क्यू कितना था क्यू वन माइनस क्यू टू, और ये ही था डब्ल्यू था वो, ये तो वर्क हुआ है, यस और नो, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, क्यू वन माइनस क्यू टू, पहले भी कर चुके हैं पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन भी, कि आपका हीट इंजन कितना एफिशिएंट है काम करने के लिए भी, ठीक है। अगर आपको कल वाला टॉपिक याद है तो उसमें हमने बोला था कि कुछ चीज़ें हीट दे रही थी, नाम क्या था उसका सोर्स था, कुछ उस पर काम कर रहा था इट इज़ कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस, और कुछ से वर्किंग सब्सटेंस से भी हीट ले रहा था इट इज सिंक में, यस और नो, इट इज़ कॉल्ड रिजेक्टेड हीट बोलते हैं उसको हम लोग। तो कितनी हीट पे काम हुआ था कुछ याद है कल वाला टॉपिक्स, डब्ल्यू कितना था क्यू वन माइनस क्यू टू पे काम हुआ था भाई, क्यू वन माइनस क्यू टू पे एक वर्क हुआ था, बाकी हीट क्या हो गई थी रिजेक्ट हो गई थी इसकी हीट, कर पाओगे। तो इसका एफिशिएंसी कितना है अभी, देखिए कितना एफिशिएंट है काम करने के लिए इसकी किसकी रेशो होती है, कितना वर्क किया गया है बाई कितना हीट दिया गया है, यस सर नो। देखिए आपने 100 रुपये लगाए किसी चीज़ के ऊपर, आपको मिला काम 50 का भी, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी कैसे निकालोगे, 50/100 गुणा में 100% निकालनी हो तो आपको उसकी, यस सर नो, कितना वर्क हुआ बाई कितना हीट दिया गया भी, कर पाओगे। तो लिख लीजिए एफिशिएंसी क्या होती है, लिखो इट इज़ द रेशो ऑफ, इट इज़ द रेशो ऑफ नेट वर्क डन, इट इज़ द रेशो ऑफ नेट वर्क डन पर साइकिल, नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द हीट इंजन, बाय द हीट इंजन टू टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम भी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन
टू द सिस्टम। वीडियो चल रही है अभी। टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। तो एफिशिएंसी को इस वर्ड से लिखा जाता है अभी, ईटा। ये वर्ड होता है ईटा, बोलते हैं इसको भी, लिख दो इंग्लिश में, हिंदी में कहीं बना के इसको ईटा, ग्रीक सिंबल है ये, इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, टोटल वर्क डन। बाई टोटल हीट भी, यस सर ना, टोटल वर्क डन बाई टोटल हीट गिवन भी। हीट कौन दे रहा है, सोर्स दे रहा है अभी, यस सर ना। ईटा इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, कितना वर्क हुआ, डब्ल्यू बाई कितना हीट दिया गया, क्यू वन दिया था भाई हीट ने, हो जाएगा। और डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं भाई, कितना वैल्यू है डब्ल्यू का, क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, यस और नो, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ईटा इज इक्वल टू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, डिवाइड कर देते हैं, क्यू वन बाई क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, यस और नो, वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, इट इज द एफिशियंसी ऑफ इंजन भाई, कर पाओगे। अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो क्या करोगे, ऐसे लिख दें वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, गुणा में सौ भी कर देते हैं, यस और नो। तो मेरे को बताइएगा आपके इंजन की एफिशिएंसी 100% कैसे हो सकती है, केस बना लेते हैं, आपके इंजन की एफिशिएंसी 100% करनी है, 100% कभी हो सकती है, 1 गुना 100 कर दूं तो 100% हो जाएगा, बाकी इसको जीरो करना पड़ेगा मेरे को, यस और नो, सीधी सी बात यही है भाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या होगा, 100%, इसको जीरो करना है, ये जीरो कब हो सकता है, पहला केस या तो क्यू टू जीरो हो, क्यू टू कितना हो, जीरो, यानी रिजेक्टेड हीट कुछ भी ना निकले, भी सारी हीट काम पे काम चली जाए, वर्क डन करने में चली जाए, यस और नो, यानी साइलेंसर में से कोई धुआं निकले नहीं आपका बाइक से, तो आपकी बाइक क्या देगी आपको, 100% वर्क देगी भी, कितना आंसर होगा, ये जीरो हो गया, तो एफिशिएंसी कितना होगा, 100% भी, 1 × 100 इट इज 100 भी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पहली कंडीशन ये है कि सिंक से जो हीट जा रही है, सिंक को जो हीट जा रही है Q2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, केस टू डालिए, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है इसको जीरो करने की भी, मैं Q1 को ले लूँ, इन्फिनिटी ले लूँ, Q1 इज इन्फिनिटी, 1 / इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, यस और नो, 1 / इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो, जीरो, कुछ भी कर दो, क्यू टू गुणा कर रखा है, जीरो, तो कितना होगा एफिशिएंसी, 100%, यानी जो हीट दी गई है वो इन्फिनिटी बम में दिया जाए हीट। ये 10वीं क्लास में बताते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन, एक होते हैं इंटरनल कंबसन इंजन। टाइप्स ऑफ इंजन देखिए, दो तरह के हैं, एक्सटर्नल कंबसन इंजन भी और इंटरनल कंबसन इंजन भी। एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहर जो हीटिंग प्रोसेस होती है इंजन से बाहर होती है अभी, सॉरी स्टीम इंजन इसका एग्जांपल, अभी लिखिए स्टीम इंजन भी, इंजन ठीक है, स्टीम इंजन भी, इसमें क्या करते हैं, बाहर बड़े से बॉयलर के अंदर पानी गर्म किया जाता है अभी, और उसकी स्टीम को इंजन के अंदर डाला जाता है, हाई प्रेशर स्टीम को, और वहाँ से इंजन का पहिया घूमता है, क्या सर ना। और इंटरनल कौन सा होता है, जिसके हीटिंग प्रोसेस के अंदर होता हो, जिसके आप हमारे गाड़ियों के इंजन होते हैं, बाइक के कार के, उसमें सारा अंदर चलता सारा, बाहर कुछ नहीं करते हम लोग उससे, कर लोगे एक एक्सटर्नल वाला, एक इंटरनल वाला लिख सकते हो, पेट्रोल और डीजल इंजन भी।